अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी, हैदराबाद की कैरी की खट्टी दाल हम लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार। चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी हैदराबाद की खट्टी दाल को हमने किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैंने मसूर की दाल ली थी 1 कप, ये वाला मेजरमेंट वाला मैंने कप लिया है, ये है 250 ml। ठीक है, ये कप को मैंने दाल को लेकर तो इसको सिंपली मैंने 2 से 3 दफ़ा धो लिया है, सिंपली बस ये दाल आपके सामने। ठीक है, और इसके अंदर हम हैदराबादी कैरी की खट्टी दाल बना रहे हैं। तो कैरी ली थी इसमें मैंने छोटे साइज की, उसको सीड निकाल कर तो छिलके के साथ ही वो इसके अंदर चली जाएगी। बहुत छोटी सी थी, इतनी सी थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे, तो ये इसके अंदर चली जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप लाजमी वही डालें, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ये डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 3 से 4 ग्रीन चिलीज जाएंगी इसके अंदर, और 1 मीडियम साइज का टमाटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। और इसके बाद स्पाइसेस इसमें सिर्फ 3 ही जाएंगी, हल्दी है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी तो आप नहीं डालें, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं तो आप पर है, ये आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर 1 कप दाल है तो हमने 2 कप पानी इसको डालकर, तो इसको हमने 5 सीटी या 10 से 12 मिनट लगेंगे, इसको हम लगा दें प्रेशर, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको, ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब आपने स्पून की मदद से इसको इस तरह से घोट लें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने घोट सा लेना है इसको, लकड़ी का स्पून ले लें आप, और ये हो गया। ठीक है, जल्दी से घुट जाएगी क्योंकि कैरी भी बीच में अच्छे से गल चुकी है। चलें जी, अब इसमें आपने क्या करना है, 2 कप्स हमने पहले पानी डाला था और 2 कप्स ही हम इसमें और डालेंगे, या आप जितना अकॉर्डिंग आपको पसंद हो, दाल पतली चाहिए हो उतना आप इसमें ऐड कर दें। इसको 5 से 6 मिनट हम लो टू मीडियम पर पका लेंगे, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। घी का इसको हम तड़का रेडी करेंगे। दाल हमारी बन के तैयार हो गई है, 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी डाल देना है, घी थोड़ा मेल्ट हो जाए, और इसमें ज़ीरा राई और कड़ी पत्ता जाएगा, और काली लाल वाली जो साबुत मिर्च होती है वो चली जाए। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, ये इसके अंदर हम डालेंगे वो चीज़ें आपके साथ। इसको हम इसका मज़ेदार सा तड़का रेडी करेंगे जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, और इसके अंदर अभी ज़रा ये थोड़ा सा पक जाए, फिर हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर ये लहसुन चला जाएगा, 2 से 3 जगह थे लहसुन के। चले जी, तमाम तड़के की चीज़ें चली गई हैं, अभी तड़का रेडी हो गया, चले आए दाल की तरफ। इसको बस एक मिनट में ही हो जाएगा रेडी। और ये हो गई है हमारी हैदराबादी कैरी की खट्टी दाल बिल्कुल रेडी। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।